आज हैदराबाद टास्क फोर्स सिटी पुलिस और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन में दो लोगों को अरेस्ट किया गया जिसके पास से इलीगल ट्रांसपोर्टिंग एंड सेल ऑफ अनऑथराइज्ड हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन सीड्स लगभग 2000 किलोग्राम एचटी का रिकवरी हुआ। इसमें टोटल कॉटन सीड्स 500 गनी बैग्स जिसका की वर्थ लगभग 32 लाख है इसका रिकवरी हुआ। ये जॉइंट ऑपरेशन में पता चला कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जिसके पास एक आउटवर्ड पार्सल ऑफिस है गोपालपुरम पुलिस स्टेशन लिमिट में, वहां पे जब एक व्हीकल का इंटरसेप्शन हुआ टाटा एस व्हीकल नंबर AP23X2387, तो उसके पास से ये ह्यूज क्वांटिटी ऑफ अनऑथराइज्ड हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन सीड्स का रिकवरी हुआ। इसका जो मेन अक्यूज है रावला रजनीकांत जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओमकार सीडटेक लिमिटेड, और दूसरा बंडारी महेश जो गुड्स ऑटो ट्रॉली ड्राइवर का काम करता है, ये दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग के अरेस्ट होने के बाद से जो मटेरियल सीज हुआ और उसके बाद ये मैडम के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तरफ से जो और भी इनिशिएटिव हम लोग मिलकर ले रहे हैं जिससे आगे इस तरह का चीज़ नहीं हो, ऐसे मौके पे पब्लिक से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से टच में रहे वो लोग, और अगर कोई स्पूरियस सीड्स अनऑथराइज सीड्स का इंफॉर्मेशन उनको आता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। ये पूरा रिकवर्ड प्रॉपर्टी SHO गोपालपुरम को हैंड ओवर किया जाएगा और अंडर सेक्शन 420 IPC एंड सेक्शन 789 एंड 51 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत केस बुक होगा। ये पूरे ऑपरेशन में DCP टास्क फोर्स पी राधा किशन राव और उनके साथ उनके टीम मेंबर्स इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव के साथ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की मैडम गीता रेड्डी गारू, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर हैदराबाद एंड रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, वी श्रवण कुमार एग्रीकल्चरल ऑफिसर हैदराबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, एम निरंजन रेड्डी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोपालपुरम, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर KS रवि, के श्रीकांत, बी परमेश्वर, जी राजशेखर रेड्डी और नॉर्थ जोन के तमाम टास्क फोर्स ऑफिसर बहुत अच्छा काम किए और हमारी तरफ से इन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस।